रोजाना बसा सफर करने वाले हैं दिल्ली, ये खबर अहम है क्योंकि 2 दिन सरकारी बसों का चक्का जाम रहने वाला है। दस्ती कि अज ते कल 2 दिन सरकारी बसों का चक्का जाम रहेगा। पंजाब भर के सरकारी बसा नहीं चलनगियां, जिस के नाल लोगों को काफ़ी भारी दिक्कत का सामना करना पै सकता है। जेकर तुसी एक शहर तो दूसरे शहर बस के राही जाना है तो तुहानू भारी दिक्कत का सामना करना पै सकता है क्योंकि सरकारी बसों के मुलाजमान के वलों चक्का जाम का ऐलान किया। दसी कि कच्चे मुलाजमान के वलों चक्का जाम का ऐलान किया गया, जिस उन्होंने वालों वक् वक् मंगा रखिया ने, अपना मंगा रखते हुए उन्होंने वालों सरकारी बसा ना चलाने का ऐलान किया गया। दसी कि उन्होंने वालों कहा गया कि काफ़ी समय तो उन्होंने वालों मंग रखी जा रही थी कि कच्चे मुलाजमान पक्का किया जाए, पर उन्होंने कहना है कि अजिहा नहीं हो रहा। जिस सूरत हूँ उन्होंने वालों चक्का जाम का ऐलान कर दिता है। दोपहर 12 बजे तो पंजाब भर के सरकारी बसों के पहिए थम जाएंगे, सरकारी बसा नहीं चलनगियां। हालांकि प्राइवेट बसा जरूर चलनगियां, पर दसिया जा रहा है कि जिन्हें मुसाफिर होंगे ने उसके मुताबिक प्राइवेट बसा घट ने, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पै सकता है क्योंकि सरकारी बसा बंद ने। तो 2 दिन के लिए पंजाब भर के सरकारी बसा बंद रहने का ऐलान किया गया। 2 दिन के लिए कच्चे मुलाजमान के वालों अपनी बसा सरकारी बसा बंद रखने का ऐलान किया, जिस पनबस से PRTC के कच्चे मुलाजमान के वालों इसका ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे के करीब उन्होंने वालों चक्का जाम कर दिया जाएगा, सरकारी बसों के पहिए थम जाएंगे, जिस तों बाद लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पै सकता है। इस संबंधी होर खबर देख लें, देख दरों पंजाब बुलेटिन।